इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 10। आज हम इसको पढ़ाएंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। टॉपिक का नाम है, हेडिंग लगाते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रांसवर्स जो वर्ड है इसका मतलब है कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ट्रांसवर्स का मतलब यहां परपेंडिकुलर से है। देखो एक डायग्राम बनाए इस तरह से, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल हो और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करे। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल मेटलिक प्लेट ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेटलिक प्लेट और ले ली, ऐसे दो हॉरिजॉन्टल मेटलिक प्लेट ले ली इस तरह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेटलिक प्लेट, एक ऊपर वाली प्लेट पर हमने चार्ज दे दिया नेगेटिव, चार्ज कर लिया इस प्लेट को, और नीचे वाली प्लेट पर हमने चार्ज कर लिया पॉजिटिव, है ना, ठीक है। अब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया बिटवीन द प्लेट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन की दशा किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट क्रिएट हुआ है आपका पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ बिटवीन द प्लेट्स, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है, कैसे मूव कराना है, परपेंडिकुलरली मूव कराना है। तो एक चार्ज पार्टिकल ले ले, तो देखो ये चार्ज पार्टिकल ले लिया, ये ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा तो उस समय एंटर करते समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी। तो इसे इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी वी से एंटर किया। तो देखो ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से एंटर करा और एंटर करते समय किस दिशा में एंटर कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेट कर लेते हैं और ये वाली हम पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं, है ना, ऐसे, ठीक है भाई। आगे इसमें देखते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इसमें एंटर जैसे ही करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही रहा, इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है तो फोर्स भी ऐसे लगेगा, कितना लगेगा, एफ बराबर क्यू ई। तो एक बार बताओ चार्ज पार्टिकल को मूव ऐसे कर रहा है और चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे एंटर किया तो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल स्टेट सीधा चला जाएगा या टर्न करेगा। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर की तरफ सर्कुलर पाथ, सॉरी कर्व पाथ पर ये टर्न कर जाएगा। तो यहां से आपका एक चार्ज पार्टिकल ये ऐसे टर्न कर गया, ऐसे ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से, ड्यू टू फोर्स, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ कि ये पॉइंट ओ है, मान लो टी सेकेंड में ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल पी पॉइंट पहुंच गया, कितने सेकेंड लिया ओ से पी तक, टी सेकेंड लगे, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए एक्स कॉमा वाई। तो देखो अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो ओ को हम क्या मान रहे हैं, ऑरिजिन मान रहे हैं। अगर हम O को ऑरिजिन मान रहे हैं तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई x, या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, और y जो है ये वाला, ये जो डिस्टेंस है आपका y, ये वाला ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, या इसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं आप, इसे क्या कह सकते हैं हम, वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं हम y को, ठीक है। अब x और y की वैल्यू पूछ रहा है कि आफ्टर t सेकंड में ये पॉइंट p पर पहुंचा तो इस p पॉइंट पर कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ चार्ज पार्टिकल में, ये आपसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी पूछ रहा है।
और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में वी वेलोसिटी से अलोंग हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो आफ्टर टी सेकेंड बाद इसमें कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालें इसको, जरा देखते हैं, शुरुआत करते हैं, देखो डेरिवेशन की, ठीक है। तो जरा देखें, शुरुआत कर रहे हैं तो पहले सपोज करो हम एक्स निकाल लें, तो एक्स यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर एक्स, तो देखो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट याद हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं तो सारी चीजें हम हॉरिजॉन्टल मोशन की कंसेप्ट लेंगे, और वर्टिकल ले रहे हैं तो सारी चीजें वर्टिकल लेंगे, तो हम अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन फॉर, आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल मोशन कह सकते हो या अलोंग पॉजिटिव एक्स। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो सारी चीजें हॉरिजॉन्टल लेना, अलोंग एक्स एक्सिस लेना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भी? एक एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या केवल आप डिस्प्लेसमेंट कह दो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, एक्स हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल एक्स, एंड कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एफ ई जीरो। सर फोर्स लग तो रहा है चार्ज पार्टिकल पर क्यू ई, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है क्यू ई वो वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, हमने ऊपर लिखा है अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, तो अलोंग एक्स एक्सिस तो चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम बात कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो कुछ भी लिखेंगे सब अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस तो कोई फोर्स नहीं लग रहा इस चार्ज पार्टिकल पर। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, यहाँ ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है अलोंग एक्स एक्सिस, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो इससे हम क्या कह सकते हैं, इन इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर का यूज कर लें, तो हम डिस्प्लेसमेंट एक्स की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो इस डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस वाली इक्वेशन का यूज करके, तो एस की वैल्यू कितनी है एक्स, डिस्प्लेसमेंट तो एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी, इनिशियल वेलोसिटी है ना वी यू, ये वी है, टाइम कितना लगा है ओ से पी तक का, तो ओ से पी तक पहुंचने में टाइम टी सेकंड लगा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करी, ओ से पी तक पहुंचा तो कितने टाइम में पहुंच गया टी सेकंड में, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये पी पॉइंट तक का ही तो है, तो टी टाइम लगा है, तो टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है जीरो, कोई एक्सीलरेशन नहीं, और टाइम टी स्क्वायर, तो एक्स बराबर वी टी। देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट, अगर देखो अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है टाइम गिवन नहीं होता, तो टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू कितना एक्स ओवर टी, ये समझ में आया पहले आपको। ऐसे अगर आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाई निकालना है, तो वाई निकालना है तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है तो फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन दैट मींस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो फिर लिख लो इनिशियल वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि ओ पॉइंट से तो पार्टिकल एंटर किया, यहीं से कंसीडर कर रहे हैं अपना टाइम जीरो मान रहे हैं, तो इस जगह पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो। सर इनिशियल वेलोसिटी तो वी है, आपने देखो यहां इनिशियल वेलोसिटी वी लिखी है भाई, अलोंग एक्स एक्सिस, ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस तो कोई वेलोसिटी नहीं है पार्टिकल की, अलोंग वाई एक्सिस कह रहे हैं तो सारी चीजें अलोंग वाई एक्सिस ही लेंगे, ये तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है,
वाई एक्सिस में तो कोई गलत त्रुटि नहीं है। अगर कंपोनेंट भी करोगे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इस दर्शन में त्रुटि हुई है, अगर इसका कंपोनेंट करते हो ये वाई एक्सिस है, तो कंपोनेंट करने पर ये कितना आएगा 90, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा वी कॉस 90, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, सब कुछ वाई एक्सिस, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अब वर्टिकल मोशन ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल ओ से टी पे पहुंचा तो कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ वाई, तो वाई, और इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू, तो एफ ई बराबर कितना क्यू ई। देखो ये जो फोर्स लग रहा है बराबर क्यू ई, ये अलोंग एक्सिस तो लग रहा है, और अलोंग एक्सिस लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू ई, एफ ई बराबर कितना क्यू ई, और एफ ही इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन क्यू ई। तो यहां से आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो क्यू ई ओवर एम, यहां तक आया, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई क्यू ई ओवर एम, ठीक है ये समझ में आ गया। फिर ऐसे ही आप इक्वेशन फिर दोबारा से लगा दो, तो इन इक्वेशन दोबारा से लगाए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप वैल्यू फिर पुट कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई, तो डिस्प्लेसमेंट तो वाई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और टाइम टी प्लस हाफ ए, ए कितना है क्यू ई ओवर एम, और टाइम टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो वाई बराबर आ गया एक बटे दो क्यू ई ओवर एम टी स्क्वायर, ये देखो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये x बराबर v की ऑरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। अगर देखो t की वैल्यू ये वाली दिख रही है, x और y और t में तो रिलेशन ये है, अगर आप चाहो तो t की वैल्यू कितनी है x ओवर v, तो अगर आप t की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो तो एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका y बराबर एक बटे दो क्यू ई ओवर एम एक्स स्क्वायर ओवर v, ये ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, तो ये फॉर्मूला वर्टिकल डिफ्लेक्शन इतना आया, ठीक है। अच्छा इस फॉर्मूले को अगर हम देख रहे हैं, तो एक्स पूछ रहा था ऑरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, तो हमने फाइंड आउट कर दिया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन कितना हुआ आफ्टर टी सेकंड बाद, तो वो भी फाइंड आउट कर दिया। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, इस बात का आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से कुछ समझ में आ रहा है आपको कुछ, देखो ये इक्वेशन जो निकल के आ रही है वाई की, ये इक्वेशन x और y में जो रिलेशन आ रहा है y इक्वल टू एक बटे दो क्यू ई ओवर एम एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, अगर ये सारे टर्म कांस्टेंट हैं, ये और ये और ये, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और अगर ऐसा रिलेशन होता है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका पाथ कैसा होगा, जब इक्वेशन ये पैराबोला की है तो इसकी पाथ पैराबोलिक हो, देयरफॉर द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ ट्रांसवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। पाथ कह सकते हो, ट्रेजेक्टरी भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन आएगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है या परपेंडिकुलरली मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता है, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, तो पैराबोलिक होगा। अगर प्रूव करने की कहता है तो इक्वेशन को प्रूव कर दीजिए और ये लिख दीजिए लाइन, प्रूफ हो गया, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूं, आगे क्वेश्चन लिखते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर समझिए, इसी टॉपिक के ऊपर, एक चार्ज पार्टिकल इन फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
विल इट ऑलवेज मूव अलोंग एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? तो देखो आंसर समझते हैं इसका, कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हो, अगर एक चार्ज इनिशियली रेस्ट में मूव रख दें, जो मूव करने के लिए फ्री है, हम इनिशियली कैसे में हो, रेस्ट में हो, उसे हम इसमें प्लेस कर दें, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल मूव करने के लिए कैसा है, फ्री है, मूव कर सकता है। तो एक चार्ज पार्टिकल देखो मैंने यहां रखा और ये मूव करने के लिए कैसा है, फ्री है, लेकिन रेस्ट में रखा, तो ये तो ये चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में रख देंगे तो इसका पाथ कैसा हुआ चार्ज पार्टिकल का, मूव करेगा तो ये इस चार्ज पार्टिकल का फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा तो पहले इनिशियली किसमें था, रेस्ट में, और जैसे फोर्स लगेगा तो मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, मतलब ऐसे मूव करेगा, तो इसका पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन, तो इसका पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव कर रहा है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता ऐसे, और ये भी इनिशियली रेस्ट में है, और इसे रिलीज कर दें, जैसे हम रिलीज करेंगे तो इसमें एक फोर्स लग रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, लेकिन मूव तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही कर रहा है। तो एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करेगा, जब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में हो, फिर उसे हम रिलीज कर दें तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करेगा, इसमें पाथ चार्ज पार्टिकल का स्टेट पाथ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल से एंटर करता है, मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं रिलीज कर रहे, जैसे एक चार्ज पार्टिकल है ये रहा और ये किसी एंटर किया किसी वेलोसिटी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए किया, थीटा एंगल बनाते हुए, अब इस चार्ज पार्टिकल का पाथ स्टेट नहीं रहेगा और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अब इस चार्ज पार्टिकल का फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, और पार्टिकल एंटर ऐसे किया है तो फोर्स अगर लगा तो इसका पाथ इस फोर्स की वजह से कुछ चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स पाथ कैसा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग नहीं रहेगा, कैसा पाथ हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। थर्ड केस, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करे तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है, तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक, कर्ण पाथ ही है, पैराबोलिक पाथ ही, तो कर्ण पाथ होता है, तो कर्ण पाथ होता है, ये अभी हमने प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। तो तीन पॉइंट हैं हमारे, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अलोंग तभी मूव करेगा जब इनिशियली उस चार्ज पार्टिकल को हम रेस्ट में प्लेस करेंगे और रिलीज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करेगा, क्योंकि उसका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस वाले केस में पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करेगा। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल से एंटर करता है, मूव करता है, एंगल से एंटर कर रहा है, दैट मींस मूव कर रहा है, किसी एंगल से मूव करता हुआ एंटर करता है किसी एंगल से, तो उसका पाथ कर्व्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे तो पाथ पैराबोलिक होगा, दैट मींस कर्व पाथ होगा, पैराबोलिक भी कर्व पाथ है तो कर्व पाथ होगा, पैराबोलिक होता है परपेंडिकुलर करता है, तो ये अभी हमने प्रूव किया था, ये वाली बात समझ में आई। तो इसका हम आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे लिख। देखो मैं आंसर लिख दिया, आप इस तरह से इसे नोट कर सकते हो। इफ चार्ज पार्टिकल वॉज इनिशियली एट रेस्ट, इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर रेस्ट में होगा तो मूव कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स अ सर्टेन एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, देन चार्ज पार्टिकल विल नॉट मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। किस पाथ पर मूव करेगा, फिर वो कर्व पाथ पर मूव करेगा, ठीक है, ये समझ में आया आपको क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर हम, फिर आगे बढ़ते हैं। एक इस तरह से क्वेश्चन आता है, फिगर शोज द ट्रैक्स द थ्री चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट टू मास रेशियो, हाईएस्ट टू गलत लिख दिया है, हाईएस्ट टू चार्ज टू मास रेशियो, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है आप सही है। ये क्वेश्चन और ये डायग्राम फिगर आपको गिवन। तो पहला क्वेश्चन तो है कि साइन पूछ रहा है तीनों पार्टिकल के, गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस। तो देखो ये फर्स्ट पार्टिकल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो डिफ्लेक्ट हुआ है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इस पर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड पर कैसा चार्ज होगा आपका, नेगेटिव। और थर्ड चार्ज पार्टिकल, ये जो तीसरा चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, है ना। तो देखो अभी अभी हमने ये देखो ये चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसे, और ये चार्ज पार्टिकल जब एंटर करे तो कैसे एंटर करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, परपेंडिकुलर। और जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, y इज इक्वल टू 1/2 QE ओवर m इनटू t स्क्वायर, ऐसे ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी था और इसे ऐसे भी लिख रहे थे 1/2 QE ओवर m x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हो आप t की वैल्यू पुट करने के बाद। इसे देख लेते हैं हमसे किसका रेशियो पूछ रहा है, चार्ज टू मास रेशियो। तो q ओवर m का रेशियो कर रेशियो पूछ रहा है किस पार्टिकल के लिए ज्यादा हुआ, तो यहां से q ओवर m निकालो आप, इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2y ओवर et स्क्वायर, et स्क्वायर। अब हम यहां पर ये लेट कर लेते हैं कि पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, इसका टाइम और इसका टाइम कैसा है, सेम, तीनों एक साथ पहुंचे हैं, है ना, तो t सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ये तो ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो q ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो चार्ज और मास का रेशियो उस पार्टिकल का ज्यादा हुआ जिसका जिसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन y की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा किसमें, तीसरे में, थर्ड वाले पार्टिकल में देखो वर्टिकल डिफ्लेक्शन इतना हुआ है, सेकंड में इतना हुआ है, फर्स्ट में इतना हुआ है, सबसे ज्यादा वर्टिकल डिफ्लेक्ट कौन हुआ है, यहां से भी दिख रहा है वर्टिकल डिफ्लेक्ट जो है थर्ड वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा हुआ है, तो y की वैल्यू सबसे ज्यादा है किसमें, थर्ड वाले पार्टिकल की, तो y के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए थर्ड वाले पार्टिकल का चार्ज टू मास का रेशियो सबसे हाईएस्ट होगा। समझ में आया आपको, आया तो इसको लिख देंगे हम ऐसे, क्लियर हुआ, ठीक है। देखो सोल्यूशन लिख दिया मैंने इसका, फिर एक क्वेश्चन भी लिख दिया है, फिर सोल्यूशन देख लो, पार्टिकल वन एंड टू आर नेगेटिवली चार्ज, तो वन और टू नेगेटिवली चार्ज क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्शन होगा, तो लिख दिया एज दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट व्हाइल पार्टिकल थ्री पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। दूसरा पार्ट पूछ रहा था कि चार्ज और टू मास का रेशियो किसका हाईएस्ट होगा, तो मैंने सपोज कर लिया है कि यहां से इस वाले पार्टिकल जब बिटवीन द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनका टाइम इंटरवल सेम है, सपोज ऑल द थ्री पार्टिकल टेक्स टाइम टी इन ट्रेवलिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया था, अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करेंगे तो ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसमें से क्यू अपॉन एम का रेशियो निकाल दिया मैंने, इसी के बारे में तो पूछ रहा है कि किसका ज्यादा हुआ, तो क्यू अपॉन एम निकाल दिया, ये सॉल्व कर दिया, टी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तीनों पार्टिकल के लिए टी सेम माना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, q ओपन m का डायरेक्ट रिलेशन है y के साथ, तो y जिसका ज्यादा उसका q ओपन m ज्यादा, तो किस पार्टिकल का y ज्यादा, 3 वाले पार्टिकल का, सिंस द पार्टिकल 3 सफर मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन इट हैज हाईएस्ट q ओवर m, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कॉपी में नोट करना चाहो तो आप कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन हमने
एक इलेक्ट्रॉन है एंटर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10^4 वोल्ट पर मीटर परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलेक्ट्रॉन है और कैसे एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से कर रहा है 10^7 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर 2 मिलीसेकंड। देखो डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि ये वाली प्लेट आपकी पॉजिटिव मान ली और ये वाली प्लेट कैसी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया बिटवीन द प्लेट ऐसे। डायग्राम बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10^4 वोल्ट पर मीटर, 10^4 वोल्ट पर मीटर। इसमें चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v 10^7 मीटर पर सेकंड से। कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलरली कर रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन है और परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, कैसा पार्टिकल है नेगेटिव है ना। फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिख रहा है e फॉर इलेक्ट्रॉन आफ्टर 2 मिलीसेकंड। तो ये तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दर्शन में, ऐसे ये पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो डिफ्लेक्ट होगा, वो सीधा ना चल के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि फोर्स लगेगा ऐसे। फोर्स ऊपर क्यों लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है, ऐसे सोच लो या फिर ऐसे समझ लो कि इस चार्ज पार्टिकल पर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव प्लेट है तो अटैक करेगा तो पार्टिकल ऊपर। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लो पी पॉइंट पर पहुंचा कितने सेकंड में, 2 मिलीसेकंड में, 2 मिलीसेकंड में पहुंचा, 2 मिलीसेकंड, ये कह रहा है 2 मिलीसेकंड। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना हुआ वाई, तो हमसे वाई पूछ रहा है। तो इसी के लिए तो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है कि वाई इज इक्वल टू 1/2 QE/mt2। अभी हमने इसको फॉर्मूला ड्राइव किया था क्या, नहीं इस फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये जब परपेंडिकुलर एंटर करे तो ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए। तो 1/2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10^-19 चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मूव पार्टिकल कौन है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वर्टिकल, ये y डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वालिटी चार्ज का साइन कितने करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10^4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 9.1 × 10^-31 kg। टाइम दे रखा है 2 मिलीसेकंड, तो चेंज करना पड़ेगा 2 मिलीसेकंड को आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 2 × 10^-3 सेकंड। तो इस जगह पर मल्टीप्लाइड बाई 2 × 10^-3 का क्या और स्क्वायर, इसे आप सॉल्व कर लो मीटर में आंसर आ जाएगा, इसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन कह देते हैं। तो देखो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दी, एक तो डेरिवेशन आता है सीधा सीधा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया टॉपिक देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर चार्ज रिंग है यूनिफॉर्मली, उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो डायग्राम बना लेते हैं हम पहले, कि एक हमारे पास यहाँ एक सर्कुलर चार्ज रिंग है, ये सर्कुलर चार्ज रिंग है वर्टिकल रखी है, ये इसका सेंटर है सर्कुलर चार्ज रिंग का और ये इसकी एक्सिस हो गई रिंग की एक्सिस, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग है ना, ये एक्सिस हो गई एक्सिस। इसी एक्सिस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर जो इसके सेंटर ओ से कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, और सर्कुलर रिंग की जो रेडियस मैंने लेट करी है वो ए है। तो हम यहां लेट कर लेते हैं, ए क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर चार्ज रिंग, रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग, एक्स क्या है सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो P इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस पॉइंट पर सर्कुलर चार्ज रिंग है, मेटल की रिंग है ये, और इस पर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है रिंग के रिंग पर ऐसे।
इस पूरी रिंग पर टोटल मिला के चार्ज कितना है, क्यू है, है ना? इस पूरी होल रिंग पर, पूरी रिंग पर कितना चार्ज है, क्यू है, है ना? ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है। अब कह रहा है कि इस रिंग की वजह से, इस चार्ज रिंग की वजह से इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? अभी तक हमने जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली वो हमने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू, अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू है और इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो इससे आर डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, इस वाले पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/4πε0Q/r। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाए, तो लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग क्यू और पी पॉइंट को लाइन जॉइन कर लो, और पॉजिटिव चार्ज से अवे, ऐसे दिखा सकते। लेकिन ये जो फॉर्मूला वैलिड है आपका, ये फॉर्मूला जो वैलिड है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, हर जगह पे नहीं लगा सकते आप। पॉइंट चार्ज होगा तब आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और पॉइंट चार्ज की हमने डेफिनेशन दी थी आपसे। तो यहां आपका जो ए है ना, समझ में आ रहा है पहले आपको ये, तो ये रिंग आपको क्या पॉइंट चार्ज दिख रही है, एक पॉइंट पर चार्ज है क्यू, क्या आपको ये जो क्यू चार्ज है तो वो तो इस रिंग के सरफेस पर ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या आपको ये रिंग पॉइंट चार्ज दिखाई दे रही है, नहीं, तो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कैसे इस पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे इस रिंग के सरफेस पर, पहले आपको ये बता दें ये रिंग इस तरह से रखी है, देखो रिंग, ये रिंग ले ली और ये इस तरह से रखी है ऐसे, देखो ये रिंग और ये रिंग की एक्सेस है ना, ये जो पैन दिखा रहा हूँ ये रिंग की एक्सेस हो गई, ये रिंग का प्लेन हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन एक्सेस कहलाती है, और ये इस तरीके से है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये एक्सेस पर लाई करने वाला पॉइंट है ऐसे, और रिंग इस तरह से रखी है, इस तरह से, क्लियर है, रिंग इस तरह से रखी है, इसीलिए चारों तरफ से सेंटर से रेडियस कैसे होगी, इक्वल होगी, ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाले, तो इस रिंग के, रिंग पर एक ही जगह पर एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर कर लेते हैं, जैसे ये रिंग है आपकी, ये रिंग है ये, और ये जो रिंग है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस पर एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऐसे, और उस स्मॉल सेगमेंट पर चार्ज मान लेते हैं हम डी क्यू, ऐसे इसमें बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट होंगे, एक, ये रहा, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ऐसे पूरी रिंग पर स्मॉल सेगमेंट छोटे छोटे हमने मान लिए, ऐसे इस पूरी रिंग पर मान लो आप, ऐसे, ठीक है। अरे यार बंजर जल्दी जल्दी नाता हूं, ऐसे, और एक स्मॉल सेगमेंट पर कितना चार्ज डी क्यू, दूसरे वाले पर भी डी क्यू, तीसरे वाले पर भी डी क्यू, ऐसे सभी पर डी क्यू चार्ज है ये, क्योंकि रिंग कैसी चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इन सभी डी क्यू सब चार्जों को ऐड करोगे आप, ये रिंग बनाई इसकी रेडियस ए है ऐसे, तो इन सभी डी क्यू चार्ज को आप ऐड करोगे, डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू जितने भी हैं इन सबको आप ऐड कर लोगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमने पूरी रिंग पर, क्योंकि पूरी रिंग पर चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। अच्छा अभी बताओ, ये अगर इस स्मॉल सेगमेंट पर हम चार्ज मान लें डी क्यू, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर कर लिया, इस पर चार्ज डी क्यू मान लिया, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर सकता है ना, इस पर एक पॉइंट है उस पर चार्ज डी क्यू है, तो एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं ना डी क्यू को, और पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करके पी इस पॉइंट चार्ज डी क्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो निकाल लें, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल
एलिमेंट चार्ज डी क्यू कितना आएगा, डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू चार्ज ओवर डी क्यू केस निकाले तो डी क्यू आएगा, और डी क्यू के से पी पॉइंट पे निकालने तो डी क्यू और पी पॉइंट के बीच की शॉर्ट है सेपरेशन, तो डी क्यू और पी पॉइंट को लाइन जॉइन कर दें, क्योंकि हमेशा क्यू और पी के बीच की शॉर्ट है सेपरेशन लिखते हैं, क्यू और पी के बीच की शॉर्ट है सेपरेशन आर का स्क्वायर, यहां पे आर है, लेकिन यहां डी क्यू और पी पॉइंट के बीच की शॉर्ट है सेपरेशन देखें तो ये एक्स है और ये ए है, तो ये सेपरेशन कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पांच और टर्म लगाती तो यहां लिखेंगे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, DE कितना आ गया 1/4πε0 dq over a square plus x square, ठीक है। इसकी डायरेक्शन दिखा दूं तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये dq पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव है, तो लाइन जॉइनिंग पे तो अलाउ, इस लाइन जॉइनिंग पे तो अलाउ, और पॉजिटिव चार्ज से अवे, देखो ये रहा DE, क्लियर है, ठीक है। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ऐसे डी क्यू ऐसे पॉइंट चार्ज, तो इस रिंग पर बहुत सारे ना, तो सभी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट निकालेंगे हम और फिर टोटल निकाल लेंगे, तो इसमें तो बहुत सारे डी क्यू सर, फिर क्या करें, तो बच्चे कहते हैं कि सर एक स्मॉल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट निकाल ली, अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, लेकिन एक कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। एक मैं दूसरा स्मॉल चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, देखो यहां पर dq, एक स्मॉल चार्ज एक और कंसीडर कर लिया मैंने dq, इस dq की वजह से इस वाले dq की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट निकाले तो लाइन जॉइनिंग कर लें, तो देखो ये डिस्टेंस तो a ही होगी और ये डिस्टेंस आपकी x है ये वाली, तो ये डिस्टेंस इतनी ही आएगी रूट के अंदर कितना a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट निकालें तो वैल्यू उतनी आएगी dE 1/4πε0 चार्ज dq ही है और p पॉइंट तक इसकी जो डिस्टेंस है वो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आएगी, बट डायरेक्शन जो आएगी उस लाइन जॉइनिंग के अलोंग और पॉजिटिव चार्ज से अभी आएगी ऐसे आएगी, ठीक है। तो ऐसे जितने भी dq हैं उन सबके इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाएंगे, सबकी अलग अलग दर्शन है कि एक ही दर्शन है, अलग अलग है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालें तो हम इंटीग्रेशन कर दें स्मॉल सेगमेंट का डी का, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, एस यू एन सम, तो देखो ये डी क्यू बहुत सारे डी क्यू हैं, लेकिन कितने डी क्यू हैं मालूम नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे बना रहे हैं, काउंटिंग करेंगे और छोटे बनाएंगे तो और छोटे छोटे जाएंगे डी क्यू, तो ये मालूम नहीं है, तो जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन डी क्यू, तो ये टोटल चाहे कितना था पूरे रिंग पर क्यू, इन सब डी क्यू का सम किसके बराबर है क्यू के, तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू, और ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है सम ऐसे, और तो किसका सम डी क्यू का सम, तो इन सभी डी क्यू को ऐड करें हम डी क्यू प्लस डी क्यू ऐसे सभी dq को ऐड करें, तो इन सभी dq को ऐड करने पर कितना चार्ज है टोटल q, तो q, लेकिन ये तो और ये चार्ज तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, तो ये सिंपली ऐड हो जाती है, तो सिंपली ऐड करके हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटियों को हम ऐड तभी करते हैं, ऐसे डी इंटीग्रेशन का मतलब तो सभी है, लेकिन डी प्लस डी प्लस डी तभी कर सकते हैं जब इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, जब डायरेक्शन सेम होती है वेक्टर क्वांटिटीयों का तभी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ऐड हो जाते हैं सारे के सारे, लेकिन जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, किसी एंगल से होता तो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो यहां इंटीग्रेशन का मतलब तो समी है और हम मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो हम ऐड तभी कर पाएंगे जब दर्शन सेम हो, क्या बताओ इस डी की और इस डी की दर्शन सेम है, नहीं, इसीलिए यहां पर एक डी का इंटीग्रेशन करके आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि दर्शन सेम नहीं है वहां पर, पॉइंट नोट किया ये वाला पॉइंट, समझ में आया आपको ये, ठीक है।
तो सर फिर क्या करना चाहिए? तो देखो इस डी के कंपोनेंट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं डी के कंपोनेंट। तो डी के कंपोनेंट कैसे करते हैं? तो देखो मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल और बी थीटा हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया थीटा और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया थीटा। इस डी के कंपोनेंट करें तो टेन से करते हैं कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर लें, तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। डी कंपोनेंट करें तो डी इसके बीच में आना चाहिए, तो आया। तो ऐसे इस डी की कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, इसके साथ थीटा, इसीलिए ये कितना हुआ डीई कॉस थीटा, और ऐसे इसके साथ थीटा है तो ये वाला कितना हुआ डीई कॉस थीटा, ऐसे, और इसके साथ थीटा नहीं है तो ये कितना हुआ डीई साइन थीटा, और ये कितना हुआ डीई साइन। तो मैंने देखो डी के कंपोनेंट कर लिया, डी को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ऐसे इस डी को ब्रेक कर लिया, तो डी को मैंने दो पार्ट में खत्म कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर चार, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी साइन थीटा डी साइन थीटा, इन दोनों की डसन कैसी है अपोजिट, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, साइन आपको, और इन दोनों की डसन कैसी है सेम, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो आया ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, है ना, इतना आएगा नहीं, क्या दो ही स्मॉल चार्ज है इसके ऊपर, डी क्यू तो बहुत सारे हैं, तो डी क्यू जब बहुत सारे हैं तो इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डी, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डी, तो बहुत सारे डी भी तो होंगी, और बहुत सारे डी होंगे, उन सब के कंपोनेंट करेंगे, उन सब के कंपोनेंट करेंगे, तो जानते हो उन सब के कंपोनेंट करने पर डायग्राम कैसे दिखाई देगा ऐसा, उन सब के कंपोनेंट करने के बाद डी की दर्शन सब सारी जितनी भी डी कॉस थीटा हैं उन सब की दर्शन ऐसे रहेंगे, डी कॉस थीटा सब की दर्शन ऐसे रहेंगे, बट बहुत सारे होंगे, जितने डी क्यू होंगे उतने डी कॉस थीटा होंगे, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा इसकी कैसे रहेंगे, ये पी पॉइंट पी पर उसकी दर्शन ऐसे रहेगी, ऐसे जैसे अभी ये दिखाई दे रहे हैं हमें डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा, ऐसे ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा, देखो इसने इसको कैंसिल कर दिया, 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 इसके जितने भी डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स होंगे वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जितने भी डी कॉस थीटा होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे, और कितने डी कॉस थीटा होंगे जितने डी क्यू चार्ज होंगे, क्योंकि जितना डी क्यू चार्ज होगा उतना डी होंगे, और एवरी डी कंपोनेंट करेंगे समझ में आएगा आपको, तो बहुत सारे होंगे पता नहीं कितने, और जब पता नहीं हो कितने हो तो एक डी सॉरी ये डी कॉस थीटा है डी कॉस थीटा होगा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा, तो एक डी कॉस थीटा का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए ऐसे, तो इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख दीजिए, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, तो डी कॉस थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा का मतलब होगा डी कॉस थीटा इसको प्लस, इसका मतलब होगा डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, जैसे इन सब का कर रहे हैं ऐड, तो डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू इज इक्वल टू कितना टोटल चार्ज क्यू, नहीं आया क्या आपको, आया तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब देख लो यहाँ पे जितनी भी डी कॉस थीटा दिखा रहे हो इन सब की रसन सेम है कि नहीं, लेकिन कितने हैं मालूम नहीं, तो किसी एक डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा आपका, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, समझ में आया भाई, तो वैल्यू पुट कर दो यार डी की, अब यहाँ पे समझ में आया ये पक्का, तो वैल्यू पुट कर देंगे डी की, तो डी की वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 डी क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, यहाँ पे समझ में आया आपको, आया तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ नेम को, ठीक है ध्यान रखना नेम क्या क्या है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको आगे, तो ई इज इक्वल टू किसके रेस्पेक्ट में डिसाइड कर रहे हैं चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो चार्ज को छोड़कर सारा बाहर निकल आएगा, तो 1/4πε0 cos थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू, और इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब मैंने अभी बताया था आपको,
इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब है ये टोटल चार्ज के बराबर होगा। इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब है डी क्यू प्लस डी क्यू एंड सो ऑन। तो इस रिंग पर जितने भी डी क्यू हैं सबको ऐड करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो आप टोटल चार्ज के बराबर। तो 1/4πε0 डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू और नीचे लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस cos थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से निकाल लो आप। cos थीटा की वैल्यू निकालोगे देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये वाला, इस ट्रायंगल में अगर आप बेस देख रहे हो तो बेस x है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो क्या लिखेंगे x बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो x ओवर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई 1/4πε0 क्यू ओवर एक्स रूट के अंदर, इसे लिख सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे हो गई समझ में आया? इसकी पावर हो गई 1/2, इसकी पावर हो गई पूरे की 1 ऐसे, और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड कर दी तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल आया पी पॉइंट पर ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से, और पी पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, इस रिंग की एक्सिस पर लाई कर रहा है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है ड्यू टू रिंग की वजह से, होल रिंग की वजह से। देखो डेरिवेशन में समझाते सभी टाइम लग रहा है, एक पॉइंट सोच चुके यार, ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट चार्ज, ये रिंग पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ चार्ज एक प्लेस पे नहीं। तो हम इस क्यू चार्ज को छोटे छोटे डी क्यू चार्ज में कंसिडर कर लें, और एक डी क्यू चार्ज की वजह से फिर दूसरे डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें, तो किसी एक की वजह से निकाल लो सबकी वजह सेम ही आएगी। समझ में आया आपको? फिर डायरेक्शन दिखाओ, तो यहाँ डी डी की डायरेक्शन सेम नहीं आ रही, और सेम नहीं आ रही तो डी का इंटीग्रेशन करके आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, दरअसल डिफरेंट है, तो हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। डी का कंपोनेंट कर दिया, ये इसे कैंसिल हो गए, ये दो दरअसल सेम, ये दो नहीं समझना, बहुत सारे हैं मैंने आपको समझाए। तो एक डी cos थीटा का आप इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डी cos थीटा का मतलब है डी प्लस डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा, जितने भी डी cos थीटा को ऐड कर लिए, डी की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी टू फाइंड, रिंग निकल आया एक्सिस पर, ठीक है, डेरिवेशन हो गया ये। चलो आगे देखते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, कंसेप्ट बताता हूँ इसका, कि इसके छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इफ अगर हम x बराबर जीरो, तो देखो x बराबर जीरो होने का मतलब क्या है, x बराबर जीरो होने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो p है वो सेंटर पर आ जाए। देखो हमारा डायग्राम क्या था, इसे उठा देता हूँ, x बराबर जीरो है, जैसे ये आपकी सर्कुलर चार्ज रिंग थी, इस पर क्यू चार्ज था, पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ये चार्ज ऐसे, इसकी रेडियस a थी और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, ये इसकी एक्सेस थे रिंग की, और ये सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस x है, और x का नेम क्या है, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट रिंग की एक्सिस पर लाई कर रहा था सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। अब ये बताओ अगर एक्स जीरो हो जाए तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर आएगा, एक्स जीरो होने पर यहां पे आए तो एक्स ये हो गया, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये वाला पॉइंट होता तो एक्स इसको मानते हैं, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पर ही आ जाए तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो अगर सेंटर पर सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो एक्स बराबर जीरो रख दो इस फॉर्मूले, तो ई सेंटर कितना पर कितना आएगा रिंग की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग कितना आएगा, एक्स बराबर जीरो, तो देखो एक्स का मल्टीप्लाई चल रहा है, जीरो रखेंगे एक्स की वैल्यू उसमें तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी नहीं जाएगी जीरो। तो सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो जीरो आती है, अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग तो जीरो, क्योंकि इस फॉर्मूले में x बराबर जीरो जैसे पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा, फैक्टर कितना हो जाएगा जीरो, एक पॉइंट हो गया। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अभी मैं क्वेश्चन भी लिख के दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है, पहले पॉइंट सुन लो। पॉइंट क्या है कि इफ अगर ए जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू एक्स, इसका मतलब है रिंग की जो रेडियस है ए, ए क्या थी रेडियस ऑफ रिंग, ए क्या थी रेडियस ऑफ रिंग, अगर ए जो रेडियस ऑफ रिंग है वो बहुत छोटी है एक्स के कंपेयर, इसका मतलब वो ये पॉइंट ऑब्जेक्शन पॉइंट है वो सेंटर से बहुत दूर चला गया है ना, एक्स बहुत ज्यादा है ए से, तो उस कंडीशन में हम ए को इस फॉर्मूले से नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ए बहुत छोटा है, तो ए को नेगलेक्ट किया जा सकता है। ए को नेगलेक्ट करें तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स ओवर, ए को छोड़ दो तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और इस 2 से ये 2 कट गया तो ई इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 क्यू एक्स क्यू एक्स ओवर एक्स क्यू और इस x से x कट गया तो कितना आ गया 1/4πε0 q ओवर x स्क्वायर। तो देखो अगर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, जैसे ये सर्कुलर चार्ज रिंग है इस पर चार्ज q, इसके सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है p पॉइंट की वो x और इसकी रेडियस a और a बहुत छोटा x के कंपेयरिंग, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखो तो ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का नहीं है, अगर एक पॉइंट चार्ज लेते ये एक पॉइंट चार्ज है और इससे x डिस्टेंस पर इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले तो ये तो फॉर्मूला होगा, और ये रिंग वाले फॉर्मूले में पुट किया मैंने रिंग वाले फॉर्मूले में, तो ये रिंग पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करने लगी क्योंकि फॉर्मूला ये पॉइंट चार्ज का, लेकिन ये रिंग पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कब करी जब रिंग की जो रेडियस है वो बहुत छोटी है सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस के कम का है। तो ये देखो यही तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन थी, अगर साइज है जो चार्ज बॉडी का जो साइज है वो बहुत कम है सेपरेशन से तो वो बॉडी जो है वो किसकी तरह से बिहेव करती है पॉइंट चार्ज कहलाती है, उसी को पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ये वाली बात समझ में आई? तो रिंग अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक सर्कुलर चार्ज रिंग किस कंडीशन में पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगी, तो हम लिखेंगे कि अगर रिंग की जो रेडियस है वो सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस के कंपेयरिंग नेगलिजिबल हो, रेडियस नेगलिजिबल हो एक्स के कंपेयरिंग, तो रिंग बिहेवियर जा पॉइंट चार्ज, रिंग का बिहेवियर पॉइंट चार्ज होगा, बिहेवियर पॉइंट चार्ज की तरह से करेगी। क्यों ऐसा बोलने समझ में आ रहा? जैसे इस कंडीशन को हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं तो ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई किया तो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का आ गया। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए इसमें? ठीक है, देखो इस पॉइंट को मैं लिख के दिखा देता हूं। देखो ये लिख दिया हमने, व्हेन डज अ चार्ज सर्कुलर लूप या रिंग वेयर एज अ पॉइंट चार्ज, तो अ चार्ज सर्कुलर रिंग वेयर एज अ पॉइंट चार्ज व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस विच इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग, एक्स बहुत बड़ा हो ए से, तो रिंग जो है बिहेव करेगी पॉइंट चार्ज के तरीके से। क्यों? तो ये रिंग का फॉर्मूला था, अगर ये कंडीशन इसमें अप्लाई करी तो जो फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का वो पॉइंट चार्ज जैसा आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिंग सर्कुलर चार्ज रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगी जब आपकी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस है सेंटर से वो बहुत लार्ज है उसकी रिंग की रेडियस से। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पॉइंट चार्ज के बारे में थोड़ा सा नहीं मालूम है तो कूलाम्स लॉ में से पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं और पॉइंट चार्ज को मैंने डिफाइन किया है, वहाँ से आप डेप्शन देख सकते हैं पॉइंट चार्ज की, तो क्लियरिटी आ जाएगी इसके अंदर और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आगे पढ़ते हैं टॉपिक।
ठीक है। देखो इसी से रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे वो क्या है जरा देखते हैं। देखो अभी हमने जो डराइव किया एक इलेक्ट्रिक एक ये क्या है रिंग है, और इस रिंग पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्यों चार्ज? इसकी रेडियस ए है, ये इसकी एक्सेस है, सेंटर से एक एक्सेस पर लाई कर रहा है एक पॉइंट सेंटर से एग्जिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने वैल्यू देखी, फॉर्मूला निकल के आया 1/4πε0 क्यू एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी सेंटर पर आ जाए, रिंग के सेंटर पर आ जाए, तो एट सेंटर ऑफ रिंग, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर ऑफ रिंग पर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और इस फॉर्मूले में जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। एक पॉइंट। दूसरा, एक्स बराबर अगर हम इसमें इनफाइनाइट पुट कर दें, अगर इसमें हम एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दें इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इनफाइनाइट पर इस रिंग से? तो देखो इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज से अगर हम इनफाइनाइट से देख रहे हैं तो इसे पॉइंट चार्ज की तरीके से देखें। क्यों? क्योंकि जब अब x इनफाइनाइट हो जाएगा तो x वेरी लार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू a, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनफाइनाइट पे चला गया, और इनफाइनाइट पे चला गया तो x वेरी लार्ज हो गया एज कंपेयर टू द रिंग ऑफ रेडियस। तो ये इस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बन जाता है, अभी समझाया था q ओवर x स्क्वायर, ये वाला ये रिंग बिहेव करने लगती है पॉइंट चार्ज की तरीके से। और इस वाले में अब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखें तो x इनफाइनाइट रखेंगे तो e कितना आने वाला है? 0। अगर x इनफिनिटी रखेंगे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो एक पॉइंट तो समझ में आता है कि सेंटर पर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और पी पॉइंट पर देख रहे हैं ऐसे ये इन्फिनिटी पर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है। तो देखो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इन्फिनिटी की साइड में इन्फिनिटी में चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, और इन्फिनिटी और सेंटर के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ आ रही है, दैट मीन्स इतनी आ रही है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक्स की कितनी वैल्यू के लिए, एक्स की वह वैल्यू बताओ जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो, हम ये चाहते हैं। समझ में आया? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जब इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और बिटवीन द पॉइंट पी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, तो इधर 0 है, बीच में कुछ वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी। तो हम ये चाहते हैं एक्स की वह वैल्यू बताओ जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो मैक्सिमम, एक्स की कितनी वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए मैंने कूलाम्स लॉ में एक लेक्चर बना रखा है, कूलाम्स लॉ का लेक्चर नंबर 11, वहां पे भी मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, उसी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा इस वैल्यू को आगे सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन तो समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, अब इसको पढ़ने से पहले छोटा सा एक मैं आर्टिकल यहां नोट कर देता हूं, पहले उस पर पॉइंट कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए फिर हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि एक्स की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। देखो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो 11th की जो प्रदीप फंडामेंटल बुक होती है ना उसका एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल टूल 0 वाला, उसमें डिफरेंशिएशन होने के बाद जो टॉपिक है वो यही है, वहां पे प्रदीप फंडामेंटल में फिजिक्स की बुक में मैथमेटिकल टूल वाले टॉपिक में 0 चैप्टर में ये टॉपिक लिखा हुआ है। और जब तुम 12th में आ जाओगे तो 12th में मैथमेटिक्स में एक पूरा की पूरा टॉपिक है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे y इज इक्वल टू fx, y x x का फंक्शन है,
कि एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब है कि इसकी कोई भी वैल्यू हो जो एक्स के टर्म में, जैसे एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स प्लस के फोर, जरूरी नहीं है यही मानो आप, एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो जिसमें एक्स हो, टू एक्स प्लस के फोर लेट कर लो, थ्री एक्स क्यू प्लस के टू मान लो, फॉर एनी वैल्यू जिसमें एक एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने एफ एक्स की वैल्यू इतनी मान ली, तो ये तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एफ एक्स की वैल्यू इतनी कंसिडर कर लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। अब ये तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पर, तभी तो y x का एक फंक्शन है, ऐसे रीड करते हैं, y x का एक फंक्शन है, तो y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि x की कितनी वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है, x की कितनी वैल्यू पुट करें जिससे y मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट है, बिल्कुल सेम पॉइंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की x की वैल्यू कितनी पुट करें यहाँ पर जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, बिल्कुल पॉइंट सेम यहाँ पर है। तो अब इसे कैसे निकालते कि x की किस इस वैल्यू को कैसे निकालें जिससे y मैक्सिमम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर रहा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो जिसकी वैल्यू पूछे उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसका, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो y का डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लिख दें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये स्टेप है, एक कंडीशन है, चेक करो, एक बार सीखो, एक बार सीखनी पड़ती है ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो कर देते हैं डी ओवर डी एक्स y का डिफरेंशिएशन करना, जिसकी वैल्यू में मैक्सिमम है उसका डिफरेंशिएशन करना है और जिसके जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसके रेस्पेक्ट में करना है, ओवर डी दोनों साइड करना है, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। ये तो हमने लेट कर लिया, ये लेट कर लिया, आर्टिकल हमारा ये है एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई कैसा है मैक्सिमम, ये समझाने के लिए किया। तो इसको तो ऐसे लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, कंसीडर कर लो, लेट कर लो, वैसे एक्चुअली में डिफरेंशिएशन इसका इतना ही होता है f dash x, लेकिन आप लेट कर लो कि इसका डिफरेंशिएशन f dash x है, क्योंकि ये f x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, इधर आओ। अब कंडीशन क्या है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, लेकिन आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y dy ओवर dx 0, यही तो कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमा की, कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो मान लेते हैं, ये कंडीशन है बेटा, एक बार सीखना पड़ेगा ये, मैंने कूलाम्स लॉ के लेक्चर नंबर 11 में भी ये समझाया, इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल कराए, इसको एक बार सीख लीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन में आप dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, dy ओवर dx की वैल्यू ये यहां पर पुट कर दो, f डैश x बराबर 0, इसे आप सॉल्व करो तो x की वैल्यू निकाल दो। इससे आगे भी होता है कि इसका हम डबल इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें, उसमें निकालें d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और पॉजिटिव आएगा तो y की वैल्यू मिनिमम होगी, लेकिन हमारे सिलेबस में फिजिक्स के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अब इस पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम, अगर आपको यहां पर x की वैल्यू किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू कितनी पुट करें जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए, तो आप इस वाली वैल्यू का, इस वैल्यू का क्या कर दीजिए, e की वैल्यू कितनी है हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q ओवर x और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो x की किस वैल्यू के लिए e मैक्सिमम होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहिए, x के रेस्पेक्ट में किसका डिफरेंस करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो बॉस साइड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x d ओवर dx e और d ओवर dx 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 qx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और d ओवर dx मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जैसे यहां पे लिखा है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, dy ओवर dx की वैल्यू 0, ऐसे यहां पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e, d ओवर dx की वैल्यू 0, फिर जब सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो हमें मालूम पड़ जाएगा। कुछ सीखे भाई, देखो सीखिए इसे यार, क्लियर है यहाँ तक,
यहाँ तक क्लियर है? तो अब इसे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये पहले कंडीशन समझ में आई, ये प्रदीप फंडामेंटल बुक में लिखी हुई है, कई जगह पर लिखी होती है, फिजिक्स में कहाँ पर लिखी हुई बता रहा हूँ आपको, ठीक है? चलो आगे, इलेवेंथ की बुक में, ट्वेल्थ की बुक में नहीं, इलेवेंथ की, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ मैं, है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो देखो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला, इसके लिए एक फॉर्मूला हमें, मैं देखो डायग्राम उठा देता हूँ, जगह कम है बोर्ड पर, एक फॉर्मूला लिखता हूँ डिफरेंशिएशन का, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करना है, f1x ओवर f2x इज इक्वल टू, नीचे देखो ये f1x नीचे f2x, तो ये नीचे वाला जो फंक्शन है इसको ऐसे कैसे लिख लो आप, f2x जो भी डिनोमिनेटर में है उसको आप सेम टू सेम लिख के उसका क्या कर दो, ऑल स्क्वायर, फिर देखो पहले ये लाइन खींच लो और डिनोमिनेटर में जो भी नीचे है उसका सेम टू सेम लिख के उसका स्क्वायर कर दो, फिर इसी से स्टार्ट करो, यहाँ एफ टू एक्स सेम टू सेम लिख लो, कुछ नहीं करना, फिर सिंबल लगा लो डी ओवर डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, एफ वन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे बोलेंगे, इसे रीड कैसे करेंगे, एफ टू एक्स सेम टू सेम, फर्स्ट एफ वन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस, अब एफ वन एक्स सेम टू सेम लिख लो माइनस ना लगा के, और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इंटरचेंज कर लो इनको, इसको इधर इसको इधर, इसमें f1x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये सेम टू सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ये सेम टू सेम रहेगा, f2x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और नीचे जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो देखो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो de ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो पहले बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो d ओवर dx 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, तो इसे तो कोई मतलब नहीं है, अब देखो इस वाले को तो हम क्या मानने हैं, f2x, तो क्या करें कि नीचे ऐसे लाइन खींचें और f2x का क्या कहलाता है, होल स्क्वायर, तो नीचे जो है उसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, समझ में आया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, अब इस वाले टर्म को ऊपर लिख लो, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 सेम टू सेम लिख लो, देखो f2x का स्क्वायर करा और ये सेम टू सेम नीचे वाला साथ साथ लिख लिया, d ओवर dx का सिंपल लगा दो, जो ऊपर है ना उसको आगे लिख दो, ऊपर क्या है qx, देखो q भी बाहर आ जाएगा, q इज अ कांस्टेंट टर्म, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो q तो बाहर आ जाएगा, एक q भी बाहर आ जाना चाहिए यहां ऐसे, तो ऊपर क्या है आपका x, तो x लिख दो, माइनस साइन लगा दो और इनको इंटरचेंज कर दो, फॉर्मूला नोट कर लेना, जगह नहीं है, ठा रहा हूं उस फॉर्मूले को, नोट कर लेना आप, ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हो, तो अब इसको इंटरचेंज कर दो, x यहां आ जाएगा और ये वाला टर्म यहां था, d ओवर dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, देखो भाई ऐसे, यहां तक समझ में आया आपको, ये यहां तक क्लियर है, ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका, तो डिफरेंशिएशन कैसे करें भाई, de ओवर dx इज इक्वल टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो 2 से तो 2 कट गया, तो नीचे तो जो वैल्यू हो गई वो हो गई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर केवल 3, इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, तो इसको तो सेम टू सेम लिख लो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, कैसे होता है, आता तो है d ओवर dx x की पावर n से करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसमें हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं x का, इसकी पावर कितनी है 1, n बराबर 1 रख दो इसमें, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 x की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसलिए x का डिफरेंशिएशन आ गया 1, इसलिए 1 कर दिया माइनस, इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, तो ये तो ऐसे कैसे ही, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन भी हम इसी फॉर्मूले से कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी हम इसी फॉर्मूले से कर रहे हैं, इस वाले से, तो कैसे कर रहे हैं, तो देखो d ओवर dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 है, और इस पूरे को x कंसीडर कर लो, ये x है और ये n है, इसमें लगा दो,
ये एक्स मान लो, ये एन मान लो, इसमें लगा दो तो पावर, जो पावर होती है एन वो आगे आ जाती है, तो पावर कितनी है 3/2, 3/2 आगे आ गई, एन की वैल्यू 3/2 है ना, और एक्स उसको माने, इस पूरे को एक्स माना है, तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1। भाई इसको एक्स माना है तो एक्स की जगह पर ये लिख दो भाई आप इसे, और सेम टू सेम फॉर्मा लगा दो, लगा दिया आया, लेकिन 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ओवर डी एक्स इसका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका द्वारा से डिफरेंशिएशन कर दो 3/2 माइनस 1। पहले ये वाला फॉर्मा लगाया लेकिन ये एक्स नहीं था इसीलिए द्वारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है समझ में आया, और द्वारा से करेंगे तो देखो पहले इसको यहां लिखता हूं यहां, तो कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 ही तो आएगा मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका डिफरेंस करें तो ए तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो आता है, कोई अगर कांस्टेंट टर्म हो सिंगल तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ए तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया जीरो हो गया, और एक्स स्क्वायर का इस फॉर्मूले से कर लो, एन की जगह पर कितना है 2, तो 2 एक्स 2 माइनस 1 तो कितना आ गया प्लस के 2x, 2 एक्स 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 तो 2 1 तो रह गया तो 2x तो हो गया, अरे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x ही तो आएगा इस वाले फॉर्मूले से, समझ में आया ठीक है चलो ये आ गया, ये मैंने देखो इसका डिफरेंशिएशन कर लिया यहां तक ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, तो देखो ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा भाई, ये तो 0 है तो ये मल्टीप्लाइड में तो आ गया 2 से 2 कटेगा ठीक है, इतना ही रहने दो, फॉर लिख दो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई डी ई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी 0, तो इसकी वैल्यू 0 ये कंडीशन, तो इसकी वैल्यू यहां से ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, तो पुट कर रहा हूं तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर 3 और x और ax का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी 1/2 और डिवीजन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 और इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है इसकी 0 के बराबर है ये, तो देखो ये वाला टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 0 में चला गया, ये वाला भी डिवाइड में 0 चला जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, यहां तक क्लियर है, अब इस वाले फैक्टर को उधर ले जाओगे तो ये की प्लस में आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इज इक्वल टू इसको धन ले गए तो 3x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, यहां तक समझ में आया आपको, अब बताओ इसकी पावर 3/2 है इसे ब्रेक कर लो दो पार्ट में, तो दो पार्ट में कैसे ब्रेक करें, मैं तो इसको इसी को मिटा के लिख देता हूं, इसको मिटा के लिख देता हूं यहां ठीक है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, भाई बेस एक जैसे होंगे तो पावर ऐड हो जाती है तो 1 + 1/2 3/2 तो होता है, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, तो देखो इससे कैंसिल हो गया तो इधर आया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको दब ले आओ a स्क्वायर आओ कितना आ गया 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर / 2, तो x की वह वैल्यू निकल आई प्लस माइनस के a बटे रूट, इतने पर इतनी डिस्टेंस पर रूट ले लो तो a बटे रूट तो आएगा प्लस माइनस में आएगा, तो x की इतनी वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी,
ये तो निकाल लेते, तो x बराबर प्लस माइनस के a बटे रूट टू, और a क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अगर ये पूछता है तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं कि सेंटर से, रिंग की सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो a बटे रूट टू डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये समझ में आया आपको? तो देखो इसके बीच में ग्राफ भी बना सकते हैं हम, अगर ये जानकारी आ गई तो ग्राफ बना सकते हैं हम। ग्राफ कैसे बनाए वो देखते हैं, ठीक है? ग्राफ बना रहे रिंग के लिए, तो ये बताओ, ये एक रिंग बना ली हमने, ये इसका सेंटर है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये रेडियस हो गई, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? तो ये बताओ सेंटर पर, अभी भी मैंने बताया एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग एक्स बराबर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, एंड एक्स बराबर जब इनफाइनाइट हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये भी मैंने समझाया। दूसरा, एक्स बराबर अगर ए प्लस माइनस का ए बाई टू, प्लस माइनस का ए बटे रूट टू हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने डिस्टेंस में मैक्सिमम होगी, तो मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये एक्स, ये प्लस के ए बटे रूट टू है, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम। तो ग्राफ एस चलेगा, ऐसे मैक्सिमम हो जाएगा इधर, और यहां पर ये पैरेलल कर देंगे इसके एक्स एक्सिस के, क्योंकि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर जीरो होगी, इनफिनिटी पर, तो इनफाइनाइट यहां पर एक्स बराबर इनफिनिटी थोड़ी है, इनफाइनाइट पता नहीं, तो ये पैरेलल कर देते हैं ग्राफ को, तो इस तरह से बनेगा। और इधर की तरफ बनाएं तो ये जो डिस्टेंस है यहां से एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू प्लस के ए बटे रूट टू डिस्टेंस है यहां तक, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया है, मैक्सिमम कर दिया। और इधर की तरफ बनाए तो आप ऐसे बना सकते हो, माइनस के ए बाई टू पर मैक्सिमम करोगे ऐसे, और फिर इधर की तरफ आके, इधर की तरफ आके आप इसे क्या कर दोगे, फिर पैरेलल कर दोगे, फिर कैसे कर दोगे, पैरेलल कर दोगे इसके, क्योंकि इधर भी एक्स बराबर इनफिनिटी पर जाके होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सर ये ऊपर बनाया ये नीचे बनाया, एक्स बराबर माइनस के ए बटे रूट टू पर, ये वाले पर सेंटर से डिस्टेंस है, यहाँ पर भी x बराबर कितना है, a बटे रूट टू पर, ठीक है? यहाँ पर x बराबर जीरो, इधर की तरफ ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि देखो इधर की तरफ बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर इधर होगी और ये पॉजिटिव होगी, कैसे होगी, पॉजिटिव, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर जो आती है अलोंग x एक्सिस आती है, क्योंकि d cos थीटा कैसे आए थे, x के अलोंग आए थे, d cos थीटा सबको ऐड करके तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंडक्शन इसके एक्सिस के अलोंग होगी, और पॉजिटिव चार्ज तो अभी होगी और नेगेटिव चार्ज होगी तो टूवर्ड्स होगी, ये पॉजिटिव चार्ज तो अभी, तो इसकी ऐसे पॉजिटिव चार्ज तो अभी इधर आएगी तो इधर ई नेगेटिव है, ये पीछे भी ग्राफ में समझाया था, पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ बनाते हैं और इधर की तरफ डायरेक्शन होती है तो नेगेटिव एक्सिस में तो ई नेगेटिव मानते हैं, नीचे तरफ ग्राफ बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे भी मैंने ग्राफ समझाए हैं, ये ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव का मतलब बताया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो, ठीक है? ये बात समझ में आई आपको? चलो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है?